जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले मेट्रोजिल सस्पेंशन सिरप के बारे में, इसको कब कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या क्या बेनिफिट होता है, इसका क्या डोज होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, इसको कितने दिन के बच्चों में इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि मेट्रोजिल सिरप आप लोगों को शॉर्टकट में पता ही होगा कि पेट खराब में दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता ये होगा कि इसको घाव सुखाने घाव वाले बैक्टीरिया में या फिर मुँह के बैक्टीरियल संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह सब जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को आगे देखें और जानकारी प्राप्त कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इस मेट्रोजिल सिरप के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस मेट्रोजिल सिरप का कंपोजिशन क्या होता है। इसका कंपोजिशन मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट ओरल सस्पेंशन है, जो कि जैविक केमिकल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का मैन्युफैक्चर है। इसका दाम 33.60 रुपये है। ये आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी तरीके से मिल जाएगा और आप लोग अपने मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आसानी तरीके से ले सकते हैं, अगर आप लोगों के बच्चों में कुछ इस प्रकार की समस्याएँ हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि किस प्रकार की समस्या में आप लोग इस मेट्रोजिल सिरप को उपयोग में लाएंगे। यह एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल सिरप है, जो कि बैक्टीरियल संबंधी समस्याओं में आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि आप सब में ज़्यादा को यह बात पता होगा कि यह मेट्रोजिल सिरप बच्चों में पेट खराब होने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह तो सही बात है, लेकिन इसका अधिक काम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन इसका काम उससे भी अधिक है। जैसे कि यह मेट्रोजिल सिरप बच्चों में पेट खराब होने पर इस्तेमाल में ला सकते हैं, डायरिया होने पर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, कम मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में पेट खराब हो तो भी आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। पेट थोड़ा भी झड़ रहा हो, अगर ज़्यादा भी झड़ रहा हो या फिर डायरिया हो गया हो बच्चों में, तो भी आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं इस मेट्रोजिल सिरप को। लेकिन आप लोगों को यह बात तो कंफर्म कर लीजिए कि यह मेट्रोजिल सिरप आसानी तरीका से उपयोग में ला सकते हैं बच्चों में, अगर पेट खराब हो तब, डायरिया हो गया हो तब, अगर थोड़ा भी पेट झड़ रहा हो तब या फिर ज़्यादा भी पेट झड़ रहा हो तब आप लोग आसानी तरीका से इस मेट्रोजिल सिरप को उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन उससे अधिक काम मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस मेट्रोजिल सिरप के बारे में। यह मेट्रोजिल सिरप, लेकिन आप इसको बच्चों के लिए बैक्टीरियल वाला घाव हो, जैसे कि बैक्टीरियल वाला घाव होता है जो कितने दिनों से नहीं छूटता रहता, महीना दो महीना तक घाव रह ही जाता है, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, इस सिरप को तो पिलाएंगे ही पिलाएंगे, क्योंकि यह बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा या मेट्रोजिल सिरप। और घाव को सुखाने वाला मेडिसिन आप लोग अलग से इस्तेमाल में लाएंगे, जो कि आप लोग अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही उपयोग में लाएंगे तो बेहतर होगा। इस मेट्रोजिल सिरप का आप लोग बैक्टीरिया को दूर करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं घाव सुखाने के लिए, लेकिन उसको सुखाने के लिए आप लोगों को उसका पर्सनल दवाई घाव का इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। मुंह में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल संबंधी समस्या हो तो आप लोग आसानी तरीका से उपयोग में ला सकते हैं। और मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये बता दूं कि अगर बच्चों में अगर ज़्यादा पेट झड़ रहा हो, अगर ज़्यादा पेट झड़ रहा हो बच्चों में, तो आप लोग रिलाइट वाटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक पानी का बोतल आता है, जिसका मैं कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर आसानी तरीका से उसका भी काम जान सकते हैं और वो भी बच्चों में इस्तेमाल में लाएंगे, ताकि बच्चों में पानी की कमी ना हो। अगर बच्चा कमज़ोर हो गया पेट खराब से संबंधित समस्याओं के लिए, तो एक बीजी लेक सिरप आता है, उसको आप लोग पिलाएंगे तो बच्चों में कमजोरी के महसूस नहीं होने देगा, उसका भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दिया, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग आसानी से जाकर उसका भी काम आप लोग जान सकते हैं। लेकिन मेट्रोजिल सिरप जो है बच्चों में पेट खराब में बेहतरीन काम करता है, और इसका दाम भी बहुत सस्ता सुविधा 33.60 रुपये, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी तरीका से मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों को जो बता दिया कि आप लोग रिलाइट वाटर यानी पानी के बोतल जो है रिलाइट वाटर, उसका वीडियो आप लोग देख ही लीजिएगा, और उसको इस्तेमाल में लाएंगे तो बच्चों में पानी की कमी नहीं होने देंगे, और बीजी लेक सिरप को इस्तेमाल में भी लाएंगे तो कमज़ोरी भी महसूस नहीं होने देगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के ऊपर। इसका डोज आप लोग कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि एक दिन से लेकर 8 साल तक के बच्चों में आसानी तरीका से इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस डोज का फ़र्क यह हो जाता है कि अगर आप लोग 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के बच्चों में देते हैं इसको, तो 4 से 6 बूंद सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। वही 1 महीने से लेकर 2 महीने 3 महीने तक के बच्चों को 6 से 8 बूंद सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। वही 3 महीने से लेकर 6 महीने या फिर 9 महीने तक के बच्चों को 1 ml सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। वही 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चों में 1 से 1.5 ml सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। वही 1 साल से लेकर 2 साल या फिर 3 साल तक के बच्चों में 2.5 से 3 ml सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए।
तीन साल से लेकर पाँच साल या फिर आठ साल तक के बच्चों में 5 से 7 ml सुबह और शाम डेली यूज करना चाहिए। अब बात रह गया इसके साइड इफेक्ट के ऊपर। इसका साइड इफेक्ट आप लोग कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द होगा या फिर जीभ काली पड़ जाएगा या फिर उल्टी होने की संभावना रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस मेट्रोजिल सिरप के बारे में, इसका डोज, इसका काम, इसका साइड इफेक्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।